खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जिला टीकमगढ़, ब्लॉक टीकमगढ़, गांव मंजना। मंजना गांव के लोगों का आरोप है कि हमारे गांव में सफाई कर्मी है पर सफाई करने कभी आता नहीं है। हम लोग खुद अपने हाथों से नालियों की सफाई कर रहे हैं, नाम के लिए है कि सफाई कर्मी है पर कभी सफाई होती नहीं है। कभी छः महीने में हो जाती है एक बार। और गंदगी के कारण हम लोगों को कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, जैसे मच्छर काटता है, बुखार आता है, मलेरिया बनता है और खाना नहीं खा पाते। नहीं होती। क्यों नहीं होती है? एक साल में होती एक बार होती एक साल में। वही गंदगी खूब भरी रहती है नालियों में, कभी नहीं हो सफाई। नाली भरी रही होगा भाई, गंदगी मची फिर रही है। तो जैसे जो गंदगी है तो परेशानी का क्या होती है? परेशानी मच्छर खा ले और पटान आएगा ससुर वैसे। तो गंदगी तो फैली रही है पूरे में, कराई नहीं है वे। न सरपंच सुन रहा, न सेक्रेटरी सुन रहा है को। वो नाली की सफाई करती मैं तो है, लेकिन उन्होंने पैसा टका दी मैं तो भी करें। सफाई होती है कि नहीं? नहीं होती है। कभी नहीं होती है? कभी नहीं होती है, सालों नहीं होती है। बोलते हैं तो क्या बोला? बोलते हैं आप साफ खुद कराना, जैसे आप कह दोगे जैसे जाएंगे यहाँ पे जैसे बोलेंगे वहाँ। कचरा कहीं फेंकता नहीं है, कचरा तो रखा रहता है रोड ही पे, तो उसी में उन्ने कराते हैं, उसी में वो पानी भर भी जा रहा है, उसी में उन्ने कर रहा है, उसी में वो आटा ले पिसा भी जा रहा है, कम हर कछू जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो उसी कचरा में वो जा रहा है। हम तो कहूँ नहीं देखी क्या सफाई उसके लिए। अरे सफाई कौन कराता है? अब हमें कहा तो कोई गावती नहीं जा अपने हाथ हम तो कहते ही। तो सरपंच सेक्रेटरी से नहीं बोलत कि हमारी जो सफाई करना? कोई सुनते नहीं ना, तो किसे बोले? सफाई कर्मी था पहले, अब नहीं है। कार्ड ये है वो उतने में 1500 रुपये देते हैं, 1500 में उनका गुजारा होता नहीं, ठीक है। और पंचायत के पास ज़्यादा फंड तो कोई होता नहीं, वहाँ उनकी उनकी नौकरी पैसे बढ़ा दी, कहाँ से बढ़ाएंगे? अपना पंचायत का तो कोई फंड है नहीं अभी अलग से। नहीं, सफाई कर्मी को रखते तो हैं पंचायत ही से, लेकिन फंड तो होता ना, तब तो अपन उनका वेतन बढ़ा के दें। अब अपने पास बजट तो होता नहीं ना कोई, पंचायत के पास अगर बजट हो तो फिर अपन बढ़ा के उनको तनख्वाह दे देंगे, तो फिर आदमी मिल जाएंगे। 1500 रुपये में तो नहीं मिलते ना। हम ये चाहते हैं कि शासन से अगर ज़्यादा फंड मिलेगा तो अपन अच्छे कर्मचारी रखेंगे तो सफाई होगी, और सफाई होगी तो अच्छा लगेगा। कब तक रखोगे आप? जब शासन से फंड मिल जाए, शासन से पैसा मिलेगा तो अपन कर्मचारी रखेंगे। आपने जो अभी समस्या हमारे संज्ञान में लाई है, हम आज ही अपने PCO साहब को भेज के मंजना गांव की वास्तविक स्थिति क्या है, पोजीशन है, हम आज ही पता करवा के और समाधान का उसका क्लियर जो भी हो समाधान निकाले। तो कब से वहाँ जाने लगेगा सफाई कर्मी? मैं आज PCO को भिजवा के वस्तु स्थिति क्या है वहाँ से अवगत होके जो भी होगा उसको शाम शाम तक निराकरण करने की पूरा प्रयास किया। नहीं, अभी तो मंजना की इस प्रकार से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन आपने अगर उस बात को संज्ञान में लाया है तो निश्चित रूप से आज उसको भिजवा के दिखवाइएगा। के बारे में तो बिल्कुल सही है कि सब स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारे गाँव की जनता प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।